अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से हम पढ़ेंगे अब्बोह इसका माना है बहुत ज़्यादा पकीजगी वाला यह नाम हदीस से साबित है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्ना फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुजूद और रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे सब्बोहन क़ुद्दबुलमला इक्का तवर रूह फरिश्तों और रूह जबरील का परवरदिगार नहायत पाक है अल्लाह ताली पाक है अपने नामों में अपनी सिफात में अपनी ज़ात में अपने अफ़ाल में हर किस्म के नक्स और कमी और बुराई से यानी उसके नाम उसके सिफात उसके अफ़ाल उसकी ज़ात जो है वो कमाल के दर्जे पर है यही वो वजह है कि कायन की हर चीज़ सारी की सारी मखलूक उसी की पाकि बयान कर रही हैं जैसे कि सूरत रहा में अल्लाह ताली ने बताया है तस्बी कर रहे हैं उसके साथ आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके अंदर है और नहीं कोई चीज़ मगर जो तस्बी कर रही हो उसकी हमद के साथ लेकिन नहीं तुम समझते उनकी तस्बी को बेशक वो बुरदबार है बख्शिश फरमाने वाला है हम देखें इस कायनात में जो कुछ भी सब अल्लाह तखलूक हैं चाहे वो आलम आलम उलवी की हैं या आलम सुफली की यानी ऊपर की दुनिया की हैं या नीचे की दुनिया की परिंद हो गए बादल हो गए फिर हवानात नबातात जन्नत इंसान हशरात पहाड़ जमादात हर चीज़ जो है वो अल्लाह की तस्वीर बयान कर रही है लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते हमें गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमने कभी ग़ौर किया कि पौधे जो हैं ये तस्बी कर रहे हैं मुसलसल ये तो अल्लाह सुबहाना तैाली ने बता दिया उसके कलमा तो सच्चे हैं उसने बताया कि वो तो हर वक्त तस्बी कर रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ सकते इसी तरह से जानवर जितने भी हैं हषरात हैं तो इंसान जो है इंसान को अल्लाह तला ने शौर दिया है अपनी पहचान कराने के लिए उसको सबसे अहम मखलूक कहा है अशरफुलमखलूक है तो इंसान क्या कर रहा है इंसान के बारे में तो अल्लाह ताला ने बता दिया व मा खलक़त जन्ना वसा अबोदों और नहीं पैदा किया मैंने जिन और इंस को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें तो हम अल्लाह सुबहाना तआला की कितनी इबादत कर रहे हैं उसकी कितनी पाकी बयान कर रहे हैं अल्लाह सुबहाना तूरज जुमर में बता दिया है और उन्होंने कदर ही ना की अल्लाह की जैसा कि कदर करने का उसका हक़ हाँ है और ज़मीन सारी की सारी उसकी मुट्ठी में होगी क़्यामत के दिन और सारे आसमान उसके दाएँ हाथ में लिपटे हुए होंगे और पाक है वो बुलंद है उसका जिसके साथ उसका शरीक करते हैं हम देखें कि सुबह शाम के असकार की या नमाजों के असकार इतनी ज़्यादा दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला की पाकी के साथ शुरू होती हैं और इसी तरह से कुरान के अंदर भी दुआएँ मौजूद हैं जैसे कि हज़रतून की दुआ के ऊपर अगर हम गौर करें तो उन्होंने क्या दुआ की थी सुबह नुम तेरे सिवा कोई मबूद नहीं पाक है तो बेशक मैं ही ालिमों में से हूँ यानी इसका माना यह है कि अल्लाह ताला तू तो पाक है तेरी ज़ात पाकीज़ा है हर किस्म के नक्स और ऐप से तू तो गलती नहीं करेगा बेशक मैं ालिमों में से हूँ मैं ग़लती करूँगा मैं तेरी मखलूक हूँ कमज़ोर हूँ तो बस तू मुझे माफ़ कर दे तो यह दुआ अल्लाह सुबहाना ताली को इतनी ट्रिगर की कि अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि यूनस अगर इस दुआ के साथ हमें ना पुकारता तो क़्यामत तक वो मछली के पेट में ही रहता हमें अल्लाह तला की पाकि बयान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये नाम जो है इस्माए आज़म में से भी है फिर इसी तरह से हम देखें कि एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कलि तानी हबीब तानी अलारहानी खफीफ़ानी अल्लिसानी स़ीला तानी फ़िल्मी जान दो कलमात रहमान को बहुत महबूब हैं सबसे हल्के हैं ज़ुबान पर और बहुत भारी हैं मैज़ान में और वो क्या कलमात हैं व सुबहानल्लाब हमदेहीबहानल्लैम पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है पाक है अल्लाह अजमत वाला फिर इसी तरह से सुबह शाम के असकार में एक और दुआ पढ़ी जाती है सुबहानल्लामदेही पकीज़गी है अल्लाह के लिए और उसी के लिए तरीफ़ है अदलकही उसकी मखलूक की तादाद के बराबर क्या हम गिन सकते हैं उसकी मखलूक की तादाद कितनी है हशरात जिन्नात है वानात नबाता सबको मिला लें अगर तो हम तो काउंट भी नहीं कर सकते तो ये पाकिजगी में हम हर किस्म की मखलूक की तादाद को काउंट कर लेते हैं फिर आगे वरी नफसी ही और उसकी जात की रजा के बराबर अल्लाह की रजा के बारे में तो कोई भी नहीं जान सकता वो तो किसी छोटे से अमल से भी राजी हो सकता है फिर वजनता ही और उसके अर्श के वज़न के बराबर जो कोई मखलूक नहीं जानती व अमीदाद कलिम और उसके कलमात की स्याही के बराबर यानी उसके कलमात तो ऐसे हैं कि कियामत तक भी उसकी स्याही ख़त्म नहीं होगी तो ये इतनी पावरफुल दुआ है हमें सिर्फ़ इसको समझकर अल्लाह ताला को पुकारने की ज़रूरत है कि हम उसकी पाकिजगी बयान करें फिर इसी तरह से एक और दुआ है सुबहना रब्बाना व ना वे हमदीका ली। पाक है तू ए हमारे रब और तेरी ही तारीफ़ है ए अल्लाह मुझे बख्श दे हमें अल्लाह के इस नाम के साथ कसरत से पुकारने की ज़रूरत है इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है साथ ही साथ इन दुआओं को पढ़ने की ज़रूरत है